सो गुड आफ्टरनून। आज मैं बनाऊंगी पूरी और कढ़ाई पनीर। तो कढ़ाई पनीर के लिए 200 ग्राम पनीर लिया, दो टमाटर लिया, एक टमाटर छोटा छोटा चॉप करके देंगे, एक टमाटर पीस के देंगे या क्या बोलते हैं कस के देंगे, और ये जो आधा प्याज है ये हम छोटा छोटा टुकड़ा करके देंगे, और ये पूरा कद्दूकस जो होता है उसमें कस के देंगे, और ये अदरक साबुत है, ये जुलियन बनाएगा, थोड़ा सा अदरक लिया, कैप्सिकम चाहिए, दही चाहिए, ठीक है, और जो जो चाहिए मैं बाद में दिखा देती हूँ, ठीक है आप लोगों को। ये देखिए खसखस ये चाहिए, ज़्यादा नहीं। ग्राइंड कर लेती है क्योंकि इसमें खसखस है और काजू है, ये हम पेस्ट करेंगे, सूखा ग्राइंड कर लीजिए। खड़ा गरम मसाला, ये है छोटी इलायची की हरी इलायची, ये है दालचीनी का दो, ये है लौंग, देंगे साबुत धनिया थोड़ा और दे देते हैं, देंगे थोड़ी सी अदरक कसी हुई और टमाटर, आप चाहो तो कसी हुई अदरक नहीं भी दे सकते हो, अदरक तीखा बनाने के लिए, और देंगे साबुत धनिया दिया और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये जो खसखस और काजू का पेस्ट है हम डाल देंगे। नमक करके अदरक जुलियन अदरक प्याज
पूरी, पराठा, फ्राइड राइस, लेमन राइस, फुलका को हम फेंट लेते हैं, ज़्यादा नहीं दीजिएगा, दो चम्मच बस, दो ही को फेंट रहे। देखिए रंग, देखिए बिल्कुल लग रहा है रेस्टोरेंट जैसा। जितना क्वांटिटी मैं बना रही हूँ, मैं इधर जहाँ पे रहती हूँ 450 रुपये प्लेट, मतलब दो जना का। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, काजू है, खसखस है। अरे दोस्तों आप ना थोड़ा ये बर्फ देखिए, ये पनीर डाल देंगे थोड़ा, क्योंकि देखिए सबसे लास्ट में पनीर दे रही हूँ, ज़्यादा मत पकाइए पनीर को, हार्ड हो जाएगा। आप दूध में घुल के भी मैंने दिया, अरे देखिए लाल लाल धागे, मैंने धागे भी बोला था। केसर, लास्ट में मेरे घर का दूध का जो क्रीम था वो मैंने फेंट लिया। आप लोग चाहो बाजार से भी प्रिजर्वेटिव वाला क्रीम भी दे सकते हो। तो दोस्तों मैंने दिखा दिया कैसे बनाते हैं कढ़ाई पनीर। मैंने साफ कर दिया, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए क्वीन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।